गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज हम मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, रैशनल नंबर्स। उसमें बच्चों कुछ मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। थोड़े मैंने बोला था आपको कि मैं आपको बताऊंगा, हालांकि सेकेंड चैप्टर में है, बट थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हम एक दो क्वेश्चन ले, ठीक है। फिर हम सेकंड चैप्टर में तो उसको अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डूब कर मेहनत करो अपनी आज पर। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। यानी कि आप अगर आज मेहनत करोगे तो देखिए उसका रिजल्ट एकदम तो मिलता नहीं है। दवाई भी हम खाते हैं तो तुरंत एकदम दवाई खा के तुरंत नहीं होता है रिलैक्स, है ना। दवाई खाने के बाद कुछ दिन या कुछ घंटे बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज का इंस्टेंट, ठीक है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर वो चीज अच्छी है। यानी कि मेहनत अगर अच्छी है, अगर आप मेहनत करोगे तो, अगर आप बिल्कुल जी जान से और बिल्कुल इन डिसिप्लिन वे में मेहनत करोगे तो इन फ्यूचर यू विल गेट एन एब्सोल्यूट रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल मजेदार रिजल्ट आप पाओगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन दे दूं फिलहाल, आप वो करके मुझे सॉल्व करके बताएं, क्योंकि पहला तो चैप्टर हमने पढ़ लिया है ना। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, आप देखें जरा कि कितना आप लोगों ने इसमें से किया है, कितना आप लोगों को आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 -3/5। ये आपको फाइंड आउट करना है। और कैसे इसमें प्रॉपर्टीज लगानी है, आपको क्या लगानी है प्रॉपर्टीज। बिन प्रॉपर्टीज की नहीं करना है, बिन प्रॉपर्टीज की भी कर दो और प्रॉपर्टीज भी लगा दो। प्रॉपर्टीज को फाइंड करके निकालें। यूजिंग प्रॉपर्टीज दोनों, अगर आप दोनों तरीके से भी निकालोगे ना बच्चों, तब भी आप देख लेना, दोनों तरीके से निकालो जरा एक बार। चलिए 30 seconds left। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे कि 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब मैंने देखा कि जो -3/7 है और इधर भी -3/7 है ना, इनको एक साथ में ला सकता हूँ। तो हम यूजिंग प्रॉपर्टी वाला करें मैं, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, ये तो एक नंबर है पूरा, है ना, ये पूरा, क्योंकि टर्म्स मैंने क्या बोला था, अच्छा आपको नहीं, इसमें पूरा एक ही नंबर है, क्योंकि अगर 3 × 2 लिख रहा हूं मैं तो आएगा तो 6 ही ना, ठीक है। तो ये हमारा एक ही नंबर है, अभी जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको एक ही लेते हैं, ठीक है।
और माइनस थ्री बाय सेवन। अब मैंने क्या किया, इस माइनस थ्री बाय सेवन को मैं आगे ले आया, इसकी जगह बदल दी, तो हो गया माइनस थ्री बाय सेवन ठीक है इंटू थ्री बाय फाइव, इस पूरे नंबर को ठीक है, इस पूरे नंबर को मैं आगे ले आया, माइनस थ्री बाय सेवन माइनस थ्री बाय फाइव को, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है ना बच्चों, वो पूरा अकेले उठ के नहीं आता, एक अकेले नहीं आता, पूरा उठ के आता है ठीक है, पूरे को लेके आएगा अपने साथ, क्लियर। फिर बचा क्या मेरे पास, माइनस वन अपॉन फोर्टीन, लगा दिया माइनस वन अपॉन फोर्टीन। क्या किया हमने इसमें, हमने इसमें कम्यूटेटिव यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने प्लेस बदली, जब प्लस माइनस में प्लेस बदलता है और मल्टीप्लाई में हम प्लेस बदलते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, एडिशन के लिए अप्लाई करती है, एडिशन के लिए वैलिड है, आपको मैंने बताया था है ना, तब जब तुमने पढ़ा था ये, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। इसमें देखो बच्चों, मैंने आपको कॉमन लेने से ये हो गया और ये हो गया, इसमें मैं अगर थ्री बाय सेवन कॉमन ले लूं ठीक है, माइनस थ्री बाय सेवन कॉमन ले लूं, क्योंकि माइनस है थ्री बाय सेवन, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस थ्री बाय सेवन में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस थ्री बाय सेवन जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा इस तरफ, जब इधर से कॉमन लिया, पहले इधर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, टू बाय फाइव कॉमन लिख दिया, फिर माइनस का साइन है, बट बाहर क्या आएगा, प्लस ठीक है, बाहर आएगा आपका, अंदर आएगा आपका प्लस, क्यों, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं मैथमेटिक्स में, तो जब हम उसको वापस जोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्या कर देते, अगर आप यहाँ पे माइनस कर देते ठीक है, देखो अभी कैसे होता, तो ये माइनस थ्री बाय सेवन तो बाहर आ ही रखा है, तो यहाँ बचेगा वन इंटू थ्री बाय फाइव, यानी कि डायरेक्ट मैं थ्री बाय फाइव लिख सकता हूँ ना ये ठीक है, अभी क्यों लिखते नहीं, फोकस करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं जरा इसको वापस खोलता हूँ, कितना आएगा, माइनस थ्री सेवन, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव ठीक है, और माइनस थ्री बाय सेवन इंटू माइनस, छोटी माइनस इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव। अब हमने क्या देखा भाई, ये वाला पोर्शन तो सेम है इसकी तरह, देखिए टू बाय फाइव प्लस का माइनस थ्री बाय सेवन मल्टीप्लाई है ना, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ये तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया वापस, तो ओरिजिनल फॉर्म जब भी मैथ्स कुछ चेंज करते हैं तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हैं, ओरिजिनलिटी में हमें कोई फर्क नहीं लाना है ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या किया, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, अगर आपको माइनस नहीं लेना हुआ ठीक है, यहाँ था थ्री बाय सेवन ठीक है, अंदर बचा मेरे पास टू बाय फाइव ठीक है, माइनस थ्री बाय सेवन बाहर था हमारे पास, माइनस थ्री बाय सेवन बाहर लिया, अंदर बचा टू बाय फाइव इंटू माइनस वन ठीक है, माइनस थ्री बाय फाइव हमारा टू बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव, क्लियर, ये तो माइनस के अंदर बचेगा प्लस, क्लियर, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस और वापस खुल के वही आएगा, या तो ऐसे समझ लो, ये तो मैंने समझाया उनके लोग जिनको अगर समझ के करना है ठीक है, जिनको अगर टॉपिक्स या हिंट्स या फिर टिप्स याद रखनी हो, टिप्स में ये याद रखें, जब कभी भी आप माइनस चीज बाहर लें, जब कभी भी आप माइनस कॉमन बाहर लें, तो वो अंदर क्या कर देता है, साइन वो उल्टे कर देता है, अगर माइनस होगा तो वो प्लस कर देगा, प्लस होगा तो अंदर माइनस कर देगा, बस ये रहता है माइनस के साथ, जब कभी भी माइनस आप कॉमन लोगे, माइनस के साथ कोई नंबर कॉमन लोगे या माइनस साइन आपका क्या कॉमन आ जाएगा, तो उसमें आप ये समझना कि क्या होगा, जब भी आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो आप ये समझना कि अंदर वाले साइन क्या कर देगा, वो उल्टे कर देगा, प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा, माइनस वन बाय फोर्टीन तो इधर है ही ठीक है, और थ्री बाय, अच्छा तुमने टू बाय फाइव माइनस थ्री बाय ठीक है, करो उसको सॉल्व, उसको आगे लिखो, इतना कॉपी करो, इसके आगे सॉल्व करो जरा,
करो, इसको कॉपी करो, इसके आगे का भी सॉल्व करो, जरा क्या आएगा आपका। हाँ -3/7। अच्छा ये मैंने आपको प्लस से बच्चों, ठीक है, साइन उल्टा आ जाता है, वही तो बताया मैंने आपको, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलो इसके आगे सॉल्व करो फटाफट, और बताओ क्या प्रॉपर्टी इसके आगे क्या लगेगी कि नहीं लगेगी। चलो देखो क्या करना है। अब देखो इसमें ना, अब आप लोग हम क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले -3/7, अंदर क्या है 2/5 + 3/5 है ना, तो 2/5 + यानी कि 5/5 यही होगा, भाई 5/5 यानी कि 1, ठीक है, तो -3/7 इनटू -1/49 से। बट हमें यहाँ ऐसे नहीं करना, हमें तो बोला गया है कि भाई ये प्रॉपर्टी, मैंने आपको क्या बोला कि प्रॉपर्टी लगाओ और फिर बताओ, ठीक है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी यानी कि जितने भी गुणधर्म है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करना है। तो अब हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, कौन सी होती है ये, नाम बताओ फटाफट, नाम लिख के बताओ मेरे को, फटाफट बताओ नाम लिख के। आपको बता रखी है तीनों प्रॉपर्टीज मैंने, और उससे बाहर नहीं है क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्योंकि अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, ये वाला तो जाते जाते तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों। तो यहां पे मैं यूज करने वाला हूं अब कौन सी, बाय डिस्ट्रीब्यूटी, आपको मैं नेक्स्ट उसमें लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई से माइनस फिर आएगा, देखो ये तो मल्टीप्लाई कर दिया इससे, फिर अब इसकी बारी आएगी इससे, माइनस प्लस माइनस है ना, तो -3/7 इंटू 3/5 ये भी तो करेंगे, हो गया से, फिर प्लस माइनस माइनस -3/7 इंटू 3/5, क्लियर। फिर क्या था, -1/14, और इधर था हमारा, ये तो हमने भी सॉल्व किया, इधर था -1/14, क्या लगा यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हिंदी में बोलेंगे विथ करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है ना आपको, ए बी प्लस सी था अगर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए का बी से, ए बी ए का सी से प्लस ए सी, ये था, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो -6/35 -9/35, ठीक है, ऐसे आएगा, इतना लंबा सॉल्व होगा, तो इसका हम सॉल्व करेंगे, बट हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो लंबा हो गया, बट आप इसमें सीधे सीधे आप कैसे करेंगे कि आप करेंगे, हमने बता दिया भाई कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने वाले हैं, हम मैंने आपको समझाने के लिए गया, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनको बताएंगे कि भाई हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप यही बता दो, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि ठीक है, तो अभी करता है, हम सॉल्व करेंगे, तो 2 और 3 कितना होता है, 5, 5/5 1 हो जाएगा, है ना, तो अब मैं अभी करूंगा -3/7, अंदर था 2/5 + 3/5
माइनस वन बाय 14, वो हमने लिख दिया जो यहाँ लिखना था बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो माइनस 3/7, ठीक है, 2 और 3 5, 5/5 माइनस 1/14 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको बता दिए जो हमने पीछे लिखा वही आया, ठीक है, तो 5 में से 5 गया 1 इंटू 1 माइनस 1/14, तो ये आ जाएगा माइनस 3/7 माइनस 1/14, इसको सॉल्व करेंगे, 7 और 14 कैल्शियम बच्चे 14 होता है, तो 7 × 2 = 14 माइनस 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 7/14, तो ये आएगा 1 7 7 माइनस 1/14, ये हमारा आंसर इस समझ में आया आपको, ये कैसे हुआ, 7 और 14 को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है, तो 14 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7/14 यानी कि माइनस 1/2, क्लियर, कॉपी करो उसको फटाफट, ये समझ में आ गया आपको, ठीक चलो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट कैसे करना होता है रैशनल नंबर को, कल एक चीज मैंने सिखाई थी, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रैशनल नंबर में हमें नंबर लाइन में हमें नंबर्स कैसे क्या करने हैं, क्या करने हैं बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं इसमें आपको लिख सकता हूँ अगर आप लोग के लिए, चलो ठीक है, पहले रैशनल नंबर के नंबर लाइन वाले क्वेश्चन हम करते हैं, पहले नंबर लाइन वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे को नंबर लाइन में क्या शो करके दिखाएं, आप मुझे शो करके दिखाएं, टू अपॉन एट, चलिए 2/8 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन में, चलो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताओ फटाफट। चलो फटाफट, आपको कल बताया था मैंने, ये फटाफट करो। देखिए 2/8, कल आपको क्या बताया था 2/8, अब 2/8 पता तो लगे 2/8 है क्या, है ना, तो 8 से पहला स्टेप रहता है 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 0 है ना, तो यह 0 लगेगा, 8 × 2 = 16, फिर बचेगा 4 है ना, फिर 1 0 और आ जाएगा, 8 × 5 = 14, ठीक है, दो बार हम क्लियर करते हैं, यानी कि मेरा आया 0.25, तो 0.25 आपको जाहिर सी बात पता है 0.25 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में कहीं 0.25 लाई करता होगा, है ना, हमें ये चीज पता लग गई। अब क्या करना है हमें, हमें एक नंबर लाइन बना देनी है, नंबर लाइन आपको कल सिखा रखी थी कैसे बनानी है, है ना, एक नंबर लाइन बना देंगे हम इधर 0
ठीक है, इधर वन, ये हमारा वन, क्लियर। अब क्या है 0.25, 0.2/8 है, यानी कि मैंने आपको कल बताया था जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है 8 है ना, या डिनोमिनेटर हर होता है, कितने टोटल पार्ट्स होते हैं, यानी कि इतने पार्ट्स में से 8 में से 2, अगर मैं बोलूंगा इसको पढ़ेंगे कैसे, टोटल 8 में से कितने 2, या 2 नंबर, 8 में से 2 टॉफी, या कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, आप नंबर के हिसाब से लीजिए, 8 में से 2 नंबर वो लाया, तो इसको 8, यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 8 है ना, टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8, तो 8 पार्ट बना देते हैं हम यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा वन था, ठीक है, ये हमारा वन था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आता है, इधर हमें पॉजिटिव साइड चलना है ना, राइट हैंड साइड, वन यानी कि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और 8/8, तो 8/8 मतलब 8 से 8 कर गया 1, इसलिए यहाँ 1 भी आ गया है ना, और देखो 1 आ गया, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 2/8, तो 2/8 को गोला मार देंगे, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। कॉपी करो उसको फटाफट, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, एक नेक्स्ट आप नंबर लाइन मेरे को बताइए, नंबर लाइन देखिए, अभी क्वेश्चन में जब नंबर लाइन आएंगी ना, 7/4 - 5/6, चलो फटाफट 7/4 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, प्रेजेंट 7/4 इन द नंबर लाइन, ठीक है। सात बाय चार को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है, नंबर लाइन पे आपको निरूपित करना है, यानी कि संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन, पूरा मैं लिख देता हूं,
ठीक है, निरूपित करना यानी कि रिप्रेजेंट करना, ठीक है, फटाफट करो। करिए करिए फटाफट, 7/4 को रिप्रेजेंट करो। अब देखो यहाँ पे क्या था, 7/4 यानी कि 4 से 7 को डिवाइड करूंगा मैं, 4 1 4 साथ में 4 गए 3, पॉइंट लगेगा 0, 4 से 28 यानी कि आपका 1 पॉइंट समथिंग है। तो 1.7 आपको पता है कि मेरा 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगा मेरा क्या 1.7, क्लियर, इतना समझ आया आपको, 1.7 आएगा 1 और 2 के बीच में। अब इसके बाद आपको करना है क्या करेंगे, इसका इतना हिंट मैंने दे दिया, करो उसके बाद। करो करो उसको, इसके आगे का फटाफट। तो ये क्या है ना, 1 और 2 के बीच में, तो मुझे पता लग गया 1.7 है ना, तो 1.7 मेरा 1 और 2 के बीच में। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आपको इसके आगे कैसे करना है? तो 1 और 2 के बीच में सारे जब ये पॉइंट्स हैं तो आप कैसे करेंगे, आप नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है, चलो एक नंबर लाइन बना देते हैं ना, इधर मान लो 0, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट होंगे टोटल, ये बताओ, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट होंगे, हमें ये भी देखने हैं भाई। जब चार चार पार्ट में डिवाइड है ना, तो हमें इसमें देखो ये क्या आता है, आप मानो यहां से 1 मान लो, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और ये आपका जो हमारा 7/4 है 1 और 2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है ना, तो इधर कहीं हमारा 2 है, ठीक है, इधर कहीं हमारा 2 है। बट इसको चलिए इससे समझने से पहले, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, इसको होल्ड करें यहाँ पे, इसको होल्ड करें यहाँ पे, इसको समझने से पहले एक चीज इसको भी समझाऊंगा। अगर मेरे पास कोई है माइनस
नॉट 5/2 माइनस मेरे पास है 2/5, ठीक है 2/5 है, तो माइनस 2/5 मेरे पास है क्योंकि मैं माइनस वाला कभी आपको पहले बेसिक सारे क्लियर करा दूं, उसके बाद इन क्वेश्चन पे आऊंगा एक दो क्वेश्चन पे, उसके बाद आपको सीधे हम फाइंड द रैशनल नंबर पे आ जाएंगे। तो 5/2 को आप समझ गए कि 5 में से 2 को जब मैं करेंगे तो 0.0 लगेगा 4, तो 5/4 = 20 यानी कि 0.4 है ना, 0.4 आ गया। तो 0.4 को यानी मुझे पता लग गया कि 0.4 आपका किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, और किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस ये हमने क्या किया, माइनस 2/5 बोला था ना, तो माइनस 0.4, तो यानी कि ये 0 और माइनस 1 के बीच में है, 0 और माइनस 1 के बीच में, एक ये बेसिक बताना रह गया था, तो 0 और माइनस 1 के बीच में है, तो 0 और माइनस 1 के बीच में जब ये है बच्चों, तो कर देते हैं क्या था, माइनस 2/5 था, तो ये इधर मैं इधर 0 मैंने मान लिया, माइनस लेफ्ट साइड चलता है आपको पता है, नंबर लाइन में आपको बताई थी 0 इधर माइनस चलेगा, इधर प्लस चलेगा, 1 2 इधर माइनस 2 माइनस 3, तो जो नंबर लाइन में पॉइंट आएगा ये माइनस की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 2.5 है ना, तो 0 हो गया, इधर हमने कहीं माइनस 1 मान लिया ये, ठीक है ये माइनस 1 मान लिया, बस इतना इसमें इतना बता रहा था कि हमें लेफ्ट। अब सारी कहानी वही है, कितने पार्ट है भाई टोटल, 5 पार्ट है, ठीक है टोटल 5 है, तो अब 5 में इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 और 5, तो ये है ही, ठीक है, तो 5 यही। अब स्टार्ट कहां से करेंगे हम, इधर से हमारा कहां से जाता है, 1 से जाएगा, तो 0, अब क्या स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद हम माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5 और माइनस 5/5 आप देखेंगे 1 -1 ही आता है ना, तो हमने माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो बस माइनस 2/5 को रिप्रेजेंट करना था, तो माइनस 2/5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, तो ये हमारा माइनस 2/5 हमारा ये नंबर है, ठीक है, ये चीज आपकी बेसिक थोड़ा बता रहा रह गई थी, तो इसको हमने कर लिया, इसको कॉपी करें, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी मैथ्स की है, उसमें आपको बताऊंगा मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए बच्चों, ये थी अभी हमारी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे क्लास बढ़ाएंगे, और आज अपना चैप्टर इस चैप्टर को खत्म करके कल बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।